सारी हुसैन नाम से, वो यही काम करता है। और इसके ये बोल रहा हूँ, और सर ये रही वीडियो क्लिप हो। कार्यक्रम हुआ क्यों हुआ? मैं आज रतनगढ़ गया था, एक कार्यक्रम था नगर पंचायत का, तो उस कार्यक्रम के शामिल होने के लिए मैं रतनगढ़ गया था। तो वहाँ मैं मेरे मित्र विमल जी व्यास इनकी दुकान पे गया था, तो वहाँ मेरा एक मित्र था, उनसे मेरा पेमेंट लेना था, तो वो मेरे को पेमेंट दे गए और मैं गाड़ी में आया वापस पेमेंट रखने। तो शाकिर हुसैन करके एक सानिया बैटरी हाउस वाला लड़का है, जिसका मेरा चेक का मामला चल रहा है 138 का बॉन्स का, तो उसका जमानती वारंट निकला अभी। तो मैं जैसे ही कोर्ट गाड़ी में वो पेमेंट रखने लगा और वो इधर से बाइक लेके आया, और बाइक में एक लोहे की मजबूत गोल वाली राड लेके आया, और मैंने जैसे ही पेमेंट नहीं रखा उसके पहले इधर देखा, तो उसने आके मेरी राड से मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। मैं कुछ बोलूँ उससे पहले तो उसने मेरे पर दूसरा हमला किया, तो मेरे हाथ पे लगी, इतने इतने मैं भगा वापिस। तो मेरा एक मित्र थे राजू जी मुंडोड़ा, उनके यहीं कार खड़ी थी, तो उन्होंने उसको पकड़ा, फिर भी वो नहीं मान रहा था, तो उससे मेरे को गाली गलौज करने लगा, बोले आज तो जान से ही मार डालूंगा, तूने मेरा बाहर जाना कैंसिल करवा दिया, मैं विदेश जाता और सारी बातें करता और फिर मेरा जो भी होता देखता, लेकिन आज यहीं ख़त्म करूंगा। संतोषजनक जो फ़ायदा मिलना था वो नहीं मिला, तो इसी सिलसिले में हम एडिशनल एसपी साहब से मिले, चूँकि मिलना ही तो एसपी साहब से आए थे, लेकिन साहब नहीं थे, तो किसी कारणवश भी एडिशनल एसपी साहब से मिले, उनको पूरा वाक्य बताया कि सर हमारे साथ इशू हुआ, और उसने मेरे को धमकी भी दी एक जानलेवा हमला करूँगा आगे। शिकायत की है कि उसके ऊपर जो है रतनगढ़ में एक व्यक्ति द्वारा हमला किया गया, उसको सिर पे रॉड मार दी, जिस पर से एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उसमें थाना लेवल पे कार्रवाई चल रही है। थाने की कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो मेरे पास आवेदन देने आया था, हम एसडीओपी जावत के माध्यम से उसकी जांच करके रिपोर्ट बुलवाएंगे।